बस मुझे कुछ नहीं पता कबीर, अब मेरी अनमोल मुझे दे दो भाई, मुझसे और सब्र नहीं होता अब भाई। मैं तो अगले महीने के पहले हफ्ते में बारात लेके आ रही हूँ अरसलान की अनमोल के लिए। लेकिन आपा यूं अचानक कितनी जल्दी? देखो कबीर, बुरा मत मानना, उस दिन जो कुछ हुआ ना उसके बाद से धड़का सा लग गया है मेरे दिल को। अब अनमोल का इज्जत से रुखसत होके अपने घर का हो जाना पूरे खानदान की इज्जत के लिए बड़ा जरूरी है, तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? जी समझ रहा हूँ मैं, न जाने कहाँ मेरी तरबियत में कमी रह गई। अरे बस छोड़ो ना, जो हुआ सो हुआ, मेरा मकसद कोई तुम्हें शर्मिंदा करना या परेशान करना नहीं था। बस मेरी तो ये दुआ है कि इज्जत के साथ अनमोल रुखसत होके अपने घर की हो जाए। याद है ना कोमल की बार कितना बड़ा तमाशा हुआ था? हम जरूरी तो नहीं है ना कि अनमोल की दफा भी वही सब कुछ हो। लेकिन आपा इतनी जल्दी सारे इंतजाम कैसे हो पाएंगे? अरे कैसी बात करते हो कबीर, आजकल शादी की तैयारियां कौन सा मुश्किल काम है, हैं? जेब में क्रेडिट कार्ड हो, एटीएम हो, दो दिन में शादी की खरीदारियां हो जाती हैं। और फिर हम कौन सा गैर हैं, सब घर वाले ही तो हैं, मिल मिला के कर लेंगे कुछ। जी जैसे आप बेहतर समझे। क्या बात है मेरे भाई, खुश नहीं हो तुम? नहीं 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 आपा, ऐसी कोई बात नहीं कबीर। वो मैंने तुमसे गुजारिश करनी थी, मेरे अरसलान को कभी मजहर से कम मत समझना। देखो ना तुमने इतनी शानदार गाड़ी दी है मजहर को, गाड़ी ही क्या, तुमने तो कोमल का घर ही भर दिया पूरा, अभी तक भर रहे हो। तो अब अगर मेरे अरसलान को छोटी गाड़ी मिली तो पूरे खानदान में सर नीचा हो जाएगा मेरे बच्चे का। जिस चाव और एहतमाम से तुमने मजहर को दामाद बनाया है ना, उसी प्यार और मोहब्बत से मेरे अरसलान को भी अपना बेटा बनाना है तुमने। अब तुम सिर्फ मामू तो नहीं होना उसके, हैं, बाप की जगह हो। जी आपा, इरम और अरसलान मेरे लिए औलाद जैसे ही हैं, मैंने कभी कम नहीं समझा। बहुत बहुत मुबारक हो कबीर, बहुत मुबारक हो। अरे इरम इरम, फ्रिज में मिठाई रखी है, जल्दी से लेके आओ। बस मेरी तो ये दुआ है कि खैर और सलामती के साथ अनमोल अब इस घर में आ जाए बहू बनकर। अरे मामू अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अम्मी आपने बताया नहीं मुझे कि मामू आ रहे हैं, मैं कुछ लेता ही आता। आप अकेले हैं, बाकी सब लोग कहाँ पर हैं? वो देखा कबीर, हम तो नजर ही नहीं आ रहे इसे, बाकी सब की फिक्र हो रही है। अरे नहीं नहीं अम्मी, मैं तो सिर्फ मुमानी जान का पूछ रहा था कि वो नहीं आई साथ में। अस्सलाम वालेकुम मामू। अरे मिठाई? हाँ हाँ इधर आओ ना, खुद भी मुंह मीठा करो और अपने मामू को भी खिलाओ मिठाई। मैंने तुम्हारी और अनमोल की शादी की तारीख तय कर दी है खैर से। मगर अम्मी मैं क्या मगर, अगर मगर कुछ नहीं भाई, अब मुझे सब्र नहीं होता। बस मैं चाहती हूँ कि मेरा भाई अपनी बेटी को सुहाग के जोड़े में देखे, हैं? खिलाओ मिठाई भाई। मामू खाए ना? कबीर खाओ ना, खुशी का मौका है, मिठाई। Thank you.